हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पावर मैथमेटिक्स में। आज फिर से हम 10th क्लास के अपने ही बच्चों के साथ हैं और मेरे ख्याल से पिछला जो वीडियो गया है वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड गया है। ठीक है, एक वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, दूसरे में PYQA कुछ क्वेश्चन हैं। मेरे ख्याल से उसको और भी हम मेंटेन करेंगे, लेकिन आज हम एक नया चैप्टर लेकर चलते हैं। हेडिंग आपके सामने आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, डेट इज सर्कल। ठीक है, ये बिल्कुल नया चैप्टर नहीं है 10th के हिसाब किताब से, क्योंकि आप मेरे ख्याल से सर्कल जो है क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं 8 में है, 9 में भी है, 10th में है। ठीक है, तो शुरुआती दौर से जो चीज़ें आप पहले से पढ़ रहे होते हैं उन्हीं को हम रिकैपिटुलेशन में लेंगे, और उसके बाद में इसके कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है उसको देखेंगे। ये सर्किल का फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए ये आपका सेंटर है सर्किल का। ठीक है, लेकिन सर्किल का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं पता। ठीक है, अक्सर लोग सर्किल का डेफिनेशन कंफ्यूज कर जाते हैं बोलने में, या तो राउंड फिगर बोल देते हैं। राउंड फिगर में तो आपका एक्लिप्स भी आता है, पैराबोला भी आता है, बहुत सारी चीज़ें, ओवल। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो आप इस फिगर की रिगार्डिंग आप उसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्कल है क्या? एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल फिगर है। अगर आपको डिफाइन करना हो तो सर्कल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर इन विच द डिस्टेंस between the center and the circumference are always equal. Center और circumference के बीच का अगर distance always equal हो, हमेशा equal हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? Circle हो। Definition के बारे में कि the distance between the center and the circumference of this geometrical figure is called circle. कुछ कुछ चीजें हम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि इसमें क्या क्या कहा जाता है, ये आप लोग बताइएगा फटाफट, और मेरे ख्याल से बहुत कुछ पता भी होगा। ठीक है, जैसे ये लेते हैं तो सर्किल है, इसे क्या है? सेंटर। ये तो क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ? डायमीटर। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? अगर ए बी यहाँ पे क्या है? कोण। ठीक है, SCH कोण। ठीक है, अगर ये कोण क्रॉस कर जाए तो क्या बोलते हैं? ना टॉपिक ये अगर हम बात करें सर्किल, ये उसका सेंटर है, इस एरिया को क्या बोलेंगे? ये एरिया क्या कहलाएगा? ठीक है, ये एरिया क्या कहलाएगा? ये हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ये रिकैपिटुलेशन में जाएगा क्लास 9th को लेकर, बाकी 10th में आपको कुछ आया ना। सेक्टर कहते हैं इसको, सेक्टर, सेक्टर है। बट ये जो है छोटा है, ये बड़ा वाला है, तो ये छोटा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये बड़ा वाला है इसलिए क्या कहेंगे इसको? मेजर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर होता है जहां पे एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह पे 60 45 30 कुछ भी। ठीक है, तो सेक्टर हुआ ये आपका। एक चीज और आता है, ये अगर आपका सर्कल है, ये सेंटर है, ये एरिया को क्या बोलेंगे? दो में डिफरेंस था, इस एरिया को क्या बोलेंगे? नहीं आ रहा, दैट इज सेगमेंट। लेकिन ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला है, तो ये छोटा वाला है ना, तो क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला है तो क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यही देखे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, रेडियस, डायमीटर, सेकेंड, कोण। ठीक है, अब आते हैं एक जो आपको पढ़ना है, दैट इज टेंजेंट। कुछ चीजें बताइएगा। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए उसको टेंजेंट कहते हैं। यही है, जैसे मान लिया सर्किल है, वो सेंटर है इसका, तो ए बी यहां से क्या हो जाएगा आपका? टेंजेंट, जो ओ पॉइंट पे या फिर टी पॉइंट पे टच कर रहा। ठीक, टच कर रहा किसी एक पॉइंट पे सर्किल का सर्कमफेरेंस। ठीक, यहां से भी टच कर सकता है,
यहाँ से भी टच कर सकता है, यहाँ से भी टच कर सकता है, टच कर सकता है। अच्छा एक बात ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल, एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं? इनफिनाइट। एक पॉइंट से एक सर्कल आएगा, लेकिन एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफिनाइट। यानी कि ये पॉइंट पे भी एक सर्कल हो गया, सॉरी टेंजेंट हो गया, इससे भी टेंजेंट हो गया, इससे भी टेंजेंट हो गया, जितने पॉइंट्स हैं सब पे क्या किया जा सकता है? टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, एक बात और, टेंजेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एक सर्किल है, ठीक, और ये एक सर्किल है, ठीक है, ये दोनों सर्किल का ये सेंटर हुआ, सेंटर हुआ, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, कितने कॉमन टेंजेंट इन दोनों सर्कल से ड्रॉ किए जा सकते हैं? कॉमन टेंजेंट, ये बोल रही टू, टू, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, यहां से टेन किया जा सकता है, यहां से टेन किया जा सकता है। अगर आप इधर खींचते हैं तो ये छूट जाएगा, इधर खींचते हैं तो ये छूट जाएगा। इसका मतलब ये दो जो कॉमन टेंजेंट है वो इस प्रकार के फिगर पे, अगर वो ये दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हूं। ठीक, और बताइए ये अगर कोई एक सर्कल और ये अगर कोई एक सर्कल, ये टच कर रहा है, ठीक है, कितने कॉमन टेंजेंट किए जा सकते हैं? ये बोल रही है तीन, आप बोल रहे हैं दो, तीन, एक यहाँ से जाए गई, एक यहाँ से जाए गई, एक बीच से आए, मतलब एक ये टेंजेंट हो गया ड्रॉ, दूसरा ये हो गया, तीसरा एकदम बीच, यानी इंटरसेक्ट कर रहा था तो दो टेंजेंट कॉमन, और अगर मान लिया जाए इस प्रकार से टच कर रहा है तो तीन। ठीक, और बताइए अगर ये कोई एक सर्किल हो, ये कोई एक सर्किल हो, ठीक है, इसमें कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे? हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, बोलिए, ये बोलिए इनफिनिट, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट स्वाभाविक बात है दोनों को टच करेगा, ठीक है, दो बोल रही है, नहीं, देखिए यहाँ पे एक आप कहेंगे ऐसे खींचेंगे, दूसरा आप कहेंगे ऐसे खींचेंगे, दो और होगा, यहां से टच करते हुए इसको निकला और यहां से टच करते हुए इसको भी निकला, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज, तो अगर सर्कल दोनों किसी भी साइड्स पे अलग अलग हो तो कॉमन टेंजेंट फोर। ठीक, तो यहां पे हम तीनों प्रकार के सर्कल्स को देख लिए जहां पे कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करता है। सबसे पहला हुआ कि अगर दोनों किसी एक पॉइंट पे कट करें तो कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? दो। अगर दो सर्किल है टच करें तो कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? तीन। अगर दो सर्किल अलग अलग हो तो एक, दो, तीन और चार। ठीक, तो ये तीनों चीज देख लिया कि कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम, क्योंकि सर्किल जो 10th क्लास से पढ़ रहा है वो टेंजेंट से रिलेटेड ही पढ़ रहा है। ठीक है, बाकी 9th क्लास से भी सर्किल है तो हम आपको 9th क्लास के वीडियो में जो सर्किल के शुरुआती दौर के वीडियो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 10th क्लास का ये सर्कल है तो हम टेंजेंट के थ्योरम को लेते हुए चलते हैं। ठीक है, लेते हैं थ्योरम, प्रूफ करते हैं उसे, देखते हैं। ये एक फर्स्ट थ्योरम है ट्रायंगल, सॉरी सर्कल से रिलेटेड है, 10th क्लास के हिसाब से ही ये थ्योरम चल रहा है, तो 9th क्लास के सर्कल का एक अलग है। प्रूफ क्या होगा वो बता दें। हाँ सर, हम देखिए स्टेटमेंट समझिएगा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. पहले को समझिए, a statement से साफ क्लियर कट होगा, ठीक है, कि जो tangent है किसी सर्कल पे अगर बनता है तो वो perpendicular होगा उसके radius के। जैसे ये देखिए, अगर हम कोई एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक, और एक tangent ड्रॉ करें, ये इसका सर्कल का सेंटर, मान लेते हैं ए बी कोई टेंजेंट है और वो इसका सेंटर है पी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक, पी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी टेंजेंट से सेंटर को हम लाएं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। इसी बात को प्रूफ करना है,
ठीक है। अब जरा से याद करने की कोशिश कीजिए क्लास नाइन। नाइन में एक स्टेटमेंट था कि किसी भी लाइन सेगमेंट पे यदि बाहर किसी भी पॉइंट से यदि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था, ठीक है। यहां पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है आपका सेंटर से सर्कमफेरेंस की ओर, दैट इज रेडियस। रेडियस तो है, तो ये अगर कोई लाइन सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लाइन हम खींचेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि ये जो लाइन खींचे हैं इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस जो होगा कितना है वो आप परपेंडिकुलर ही जो डिस्टेंस आएगा वही ना बताएंगे डिस्टेंस कितना है, कि ये सब थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, ये इससे कहीं ना कहीं बड़ा ही होगा। ऐसे भी आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाकी हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो ये आपको नहीं लग रहा कि हाइपोटेनस जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर कट है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ओबी जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, रेडियस होगा और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको अगर ले भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, इसका हम ओआर अगर दे भी लें, ठीक है, तो ओआर जो है वो कहीं ना कहीं ओपी से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब ओपी जो है वो ओआर से छोटा है। तो ओआर और ओपी बराबर होगा कब? जब ये ओआर ओपी पे आके मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वही 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी प्रकार का कंग्रुएंस इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली यू हैव टू राइट डाउन कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्किल के जो सेंटर होता है वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और यही कारण है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। ये है थ्योरम नंबर फर्स्ट। तो इतना आप सिर्फ ख्याल रखिएगा, इसका आप देखिए यूज है, आपको हम यूज बता दे रहे हैं। देखिए आखिर इस थ्योरम का हम यूज कहाँ पे करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में लगभग थ्योरम पूछता तो लगभग है नहीं, लेकिन यूज आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई एक सर्किल है, ठीक है, अगर कोई एक सर्किल है तो इस सेंटर है, तो यहाँ से जो पॉइंट गया है टेंजेंट को लेकर के ये 90 बनाएगा, जहां भी पॉइंट गया है ये सर्कल से लेकर के 90 बनाएगा, कोई भी टेंजेंट जाए सेंटर से आएगा 90 बनाएगा, यहाँ भी टेंजेंट गया सेंटर से आएगा 90 बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमको एक एंगल ऑलरेडी पता रहेगा। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल आपको आगे के थ्योरम्स में होगा, इसलिए हम आपको ये बता दिए कि टेंजेंट जो होता है वो सेंटर से जो लाइन आता है रेडियस के रूप में वो सीधा का सीधा इस टचिंग पॉइंट पे एंगल कितने डिग्री का बनाता है? 90, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 7। चलिए देखते हैं आप ये सेकंड थ्योरम है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। स्टेटमेंट समझिएगा क्या कह रहा है। फर्स्ट थ्योरम हम क्या पढ़े थे कि सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉन होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, सेंटर से रेडियस को लेकर। ये कह रहा है ये कि अगर कोई एक बाहर किसी एक पॉइंट से अगर ये दो टेंजेंट आता है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सर्किल के बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट आता है तो वो कह रहा है कि पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, कि ये दोनों जो टेंजेंट है आपस में, दोनों टेंजेंट क्या होगा आपस में? इक्वल होगा। एक बात बताइए, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। गिवन में आप क्या लिखेंगे कि बस ये है कि एपी एंड एक्यू आर टू टेंजेंट, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट दिया हुआ है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ ये करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इट मींस कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब एक बात बताइए, अभी जो हम एक थ्योरम पढ़े
उसी थ्योरम में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा क्लास 9 की ओर जाएंगे और कंग्रुएंस का यूज करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे कंग्रुएंस। यहाँ पे 90 बनेगा कि नहीं बनेगा सर ना, फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई टैंजेंट आ रहा है तो सेंटर से जाएगा 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक है। तो उठाते हैं दोनों ट्राइंगल को, प्रूफ करते हैं सबसे पहले कंग्रुएंस। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए क्यू ओ, ए क्यू ओ। चलिए कंग्रुएंस के लिए हमें तीन चीज चाहिए, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले, OP और OQ इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि OP और OQ आपस में क्या है, इक्वल है, किसके कारण, रेडियस के कारण। इट मींस कि OP इज इक्वल टू OQ, क्यों है भैया, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक। सेकंड OA OA कॉमन होगा, ठीक है, OA इज इक्वल टू OA, क्या है ये, कॉमन, ठीक है। तीसरा एंगल APO इक्वल टू एंगल AQO, करना फर्स्ट के लिए गाड़ी, ठीक है, ए पी ओ एंड ए क्यू ओ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ 90 डिग्री, करना फर्स्ट के अकॉर्डिंग, हेंस ट्राइंगल ए पी ओ कंग्रुएंस ट्राइंगल ए क्यू ओ। क्राइटेरिया बोलिए, आगे क्राइटेरिया क्या लगेगा, साइड एंगल साइड, नहीं आपको लगता है कि साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड, हां हां, आरएचएस आरएचएस, बहुत बढ़िया आरएचएस, ठीक है, क्योंकि आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट मींस 90 डिग्री, हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला जो ओए है वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, 90 है ही, और एक साइड आपका ओपी और ओक्यू जो साइड का फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब जो क्राइटेरिया जाएगा वो क्या होगा, आरएच एस, ठीक है, हेंस हो गया, और क्या, सो ये क्या हो जाएगा, और ए पी बराबर ए क्यू, ए पी बराबर ए क्यू, किससे हुआ, सी पी क्यू, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली, इसमें प्रूफ करना था ये दोनों टेंजेंट को इक्वल, ठीक। स्टेटमेंट यही था कि अगर किसी सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट आता है तो वो दोनों टेंजेंट उस इक्वल होगा। इसके लिए हम किए क्या, यहाँ पे ड्रॉ किए कंस्ट्रक्शन के रूप में जो है OP और OQ को रेडियस का काम किया, ये बीच में ड्रॉ कर दिए आपका ये कॉमन, उठा लिए दो ट्रायंगल, प्रूफ किए कंग्रुएंस, क्राइटेरिया लगा आरएचएस, मारे सीपीसीटी लिखे AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है। और भी इसमें थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को देखते हुए चलते हैं। तो दो थ्योरम हुआ अभी, फर्स्ट कि अगर कोई सर्कल है तो आएगा अगर टेंजेंट तो बनाएगा एंगल 90, दूसरा अगर कोई सर्किल है तो बाहर से दोनों सर्किल का क्या होगा आपस में, ये दो थ्योरम अभी हम देखें, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। चलिए देखते हैं, ये मेरे ख्याल से आज के सेशन का ये लास्ट वीडियो, सॉरी लास्ट थ्योरम, आज के सेशन का ये लास्ट थ्योरम, और भी थ्योरम है सर्किल में, ठीक है, अभी तो 6-7 थ्योरम और, तो एक एक करके थ्योरम हम देखते रहेंगे, ठीक है, ये थ्योरम क्लास देखते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरम ये कहता है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन किया जाए, चलिए ये बनाते हैं सर्किल, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से मारते हैं दो टेंजेंट, ठीक, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ओ, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज क्यू, ये यहां ज्वाइन, ये यहां ज्वाइन, इसको यहां से ज्वाइन, ठीक, ठीक है। प्रूफ क्या करना है मेरे को इस थ्योरम में, कि पहला ये कह रहा है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे ये इक्वल एंगल बनाएगा, इसका मतलब दिस बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस, ये दोनों चीज प्रूफ करनी है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOQ, एंगल AOQ, और सेकंड प्रूफ करना है एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OAQ, बहुत बढ़िया OAQ, ठीक है, ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है, वही फिर से क्या कंग्रुएंस,
इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए उठाते हैं दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए क्यू। चलिए तीन चीजें बोलिए, फर्स्ट क्या होगा? OA OA कॉमन आपके हिसाब से, ठीक है। OP is equal to OQ। दूसरा, अभी अभी हम थ्योरम पढ़े हैं सेकंड नंबर की, AP और AQ दोनों टैंजेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक। तो यही तीन चीजें लिख लेते हैं और क्या। सबसे पहले AP is equal to AQ, दोनों टैंजेंट इक्वल होगा, क्या होगा कि टैंजेंट, यहां लिख लिखिएगा कि टैंजेंट टू द एक्सटर्नल पॉइंट आर क्या होता है? इक्वल, ठीक है। दूसरा आपका OA, सॉरी हाँ OA OA कॉमन है, ठीक है। OA OA आपस में क्या है? कॉमन। तीसरा क्या होता है? OP is equal to OQ। OP is equal to OQ, ये क्या होगा? रेडियस के हिसाब से, ठीक है। तीन चीजें हो गई, AP is equal to AQ क्योंकि टेंजेंट आपस में इक्वल होता है, दूसरा OA OA आपस में क्या हो गया? कॉमन, और तीसरा OP is equal to OQ। चलिए दो ट्राइंगल कंग्रुएंस है, तो ट्राइंगल AP O कंग्रुएंस ट्राइंगल AQ O कर रहे हैं, बोलिए। बहुत बढ़िया, साइड साइड साइड, इट मींस क्या हो जाएगा कि एंगल AOP इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, ये भी क्या है सी बी सी डी। दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू सी बी सी डी, ठीक है। सी बी सी डी फॉर्म बोले क्या होता है? सी पी सी डी का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल, यानी जिस ट्रायंगल को आप कंग्रुएंस प्रूफ किए हैं उसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट, और करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या क्या है? साइड्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे हमको नीड किसका था? एंगल का। तो हम ये एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये था आपका ये थ्योरम नंबर 3। तो बेसिकली आज हम तीन थ्योरम देखे हैं जो मेजर थ्योरम है टेंजेंट को लेकर क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और भी थ्योरम से सर्किट में 9 में अदर थ्योरम से, 10th में टेंजेंट के लिए लेकर के और भी थ्योरम से, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्किट को लेकर के थ्योरम है, फिर आपका कुछ ऐसे रिलेशन है टेंजेंट और सेकेंट को लेकर के रिलेशन है, ठीक है। वो और भी रिलेशन हम देखेंगे सर्किट के, कम से कम अच्छे खासे वीडियो जाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, ठीक है। एंजॉय कीजिए सेशन को, आज का ये लास्ट थ्योरम एंड करते हैं। आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू। थैंक यू।